अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मियां ज़ुबैर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल CCW TV। काबले मोहतरम व्यूअर्स, जिन दोस्तों के पास अनामी स्पाइस बॉन्ड पड़े हुए हैं, ये वीडियो उन दोस्तों के लिए नहायत ही मुफीद है, क्योंकि आप मैं आपको दो इंतहाई मालूमती बात बताऊंगा। नंबर एक, आपके पास अगर ए से एच तक सीरीज के प्राइस बॉन्ड हैं, वो 7500 पे वाला है या 15000 पे वाला है, आपने उन बॉन्ड को अलग कर लेना है, और जो इस सीरीज से हटकर है उनको अलग कर लेना है, क्योंकि जो ए से लेकर एच तक सीरीज के प्राइस बॉन्ड हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की 16 ब्रांचेज जो है वही वसूल करेंगी, और उसके अलावा जो दूसरे प्राइस बॉन्ड हैं वो आप किसी भी बैंक में देकर अपनी रकम वसूल कर सकते हैं। दूसरी बात इंतहाई अहम है, अगर आप टैक्स होल्डर हैं, यानी कि अगर आप फाइलर हैं या आप नॉन फाइलर हैं, अगर तो आप फाइलर हैं, फिर आप जो आपके पास बिल फर्ज है 5, 7, 10 लाख के प्राइस बॉन्ड पड़े हुए हैं, तो आप बैंक में जमा करवाने से पहले ये बात आपने मद्देनज़र रखनी है कि जब आप अपने प्राइस बॉन्ड बैंक में जमा करवा देंगे, तो जब रकम वसूली के लिए आपको मुकम्मल सबूत देना पड़ेगा कि ये रकम आपने कहाँ से ली थी और अनामी बॉन्ड कहाँ से क्यों परचेज किए थे, कैसे परचेज किए थे। और अगर आप टैक्स होल्डर नहीं हैं, यानी कि फाइलर नहीं हैं, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितने मर्जी प्राइस बॉन्ड जो है अपने अकाउंट में जमा करवा कर कैश करवा सकते हैं, वो चाहे करोड़ों रुपए के हों। और इसके साथ अगर आप फाइलर हैं और अपने किसी दोस्त के जरिए आप जो है अपने नामी स्पाइस बॉन्ड तब्दील करवाना चाहते हैं, तो वो ये बात भी आपने मद्देनजर रखनी है कि वो फाइलर है या नॉन फाइलर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और हमारे चैनल CCW TV को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में लगे हुए बेल के बटन को क्लिक करके आल पे कर दें, ताकि हर तरह की नई आने वाली वीडियो से आप आगाह रह सकें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगेबान।